आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत 13 सप्टेम्बर ना रोज दांडी थी निकलेली साइकिल यात्रा नो दांतीवाड़ा BSF द्वारा भव्य स्वागत करवामां आव्युं हतुं। દેશભક્તિના ગીતો સાથે નીકળેલી આ યાત્રા પ્રધાનમંત્રીના સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, મેક ઇન ઇન્ડિયા ફિટ ઇન્ડિયાના સંદેશાના પ્રચાર સાથે નીકળેલી આ સાયકલ યાત્રા આગામી 2 ઓક્ટોબરના રોજ રાજગઢ દિલ્હી પહોંચશે। જો કે આ સાયકલ યાત્રાને લઈ સમગ્ર પંથકમાં દેશભક્તિનો માહોલ સર્જાયો હતો। ये यात्रा 13 तारीख को निकली थी और ये 2 तारीख को डांडी 13 तारीख को डांडी से निकली और 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट पहुंचेगी। ये आज़ादी के हमारे 75 साल पूरे हो गए हैं, एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इसमें BSF तथा अन्य सुरक्षा बलों की तरफ से बहुत सारी ड्राइव्स और रैलीज निकाली जा रही है, जिसका जो मेन उद्देश्य है यूनिटी फैलाना, क्लीन इंडिया ग्रीन विलेज और फिट इंडिया का जो एक मोटो लेके चल रहे हैं। हमारे साथ हमारी 13 तारीख को यात्रा निकली थी, इसमें 15 की टीम थी, उसके साथ सहायक टीम थी, मैं डॉक्टर हूँ उस टीम का एंड हम लोग बड़े जोश से कर रहे हैं। और मैं एक बार जरूर देशवासियों को बताना चाहूँगा कि गुजरात में हम जहाँ जहाँ पे निकले हम द्वारा लोगों ने बहुत प्रशंसा करी और बहुत मिलजुल के किया, जिससे हमारी शक्ति और भी बढ़ गई और हम शीघ्र ही दिल्ली पहुंचेंगे। ये भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी श्रृंखला में ये जो अभी साइकिल रैली जो निकाली गई BSF के द्वारा, इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज की गई हैं, जिसमें से ये एक साइकिल रैली भी उसका एक पार्ट है। इसका मेन मकसद है देशवासियों को एक मैसेज देना, एक BSF की तरफ से और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ से एक मैसेज कन्वे करना कि अगर हम फिट रहेंगे तो देश फिट रहेगा और फिटनेस के साथ ही हम इस देश की रक्षा कर सकते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। और यदि देश फिट रहेगा, हम सब फिट रहेंगे, तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इसी तरीके से गाइड कर पाएंगे और एक ओवरऑल डेवलपमेंट भारत वर्ष की होगी। इस कड़ी में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जिसमें जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारी डायरेक्शंस गृह मंत्रालय की तरफ से हमारे फोर्सेज को आई हुई हैं, बाकी दूसरी एजेंसीज को भी आई हुई हैं।